Hello my dear kids and parents, welcome to my channel, my Parshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCO National Science Olympiad के बारे में सारे डिटेल्स. National Science Olympiad क्या होते हैं, ये कौन से बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये एग्ज़ाम कब है. 2022-23 के लिए इसके एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम से संबंधित सारे डिटेल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से आप घर बैठे बच्चों को तैयारी करवा कर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं साइंस नेशनल साइंस ओलंपियाड क्या होता है. ये एक ओलंपियाड एग्ज़ाम है जो क्लास फर्स्ट से 12th तक के बच्चों के लिए कंडक्ट की जाती है. ये कंडक्ट जो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF के द्वारा किया जाता है. साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन हर साल क्लास फर्स्ट से 12th तक के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करती है. तो आज हम जानेंगे साइंस ओलंपियाड के बारे में, साइंस सब्जेक्ट से ओलंपियाड कंडक्ट करती है उसके बारे में हम जानेंगे. नेशनल साइंस ओलंपियाड दो लेवल में कंडक्ट की जाती है. पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ओलंपियाड आर रैंक्ड ऑफ वन बेसिस मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम. द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेकेंड लेवल एग्जाम. क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के बच्चों के लिए सेकेंड लेवल एग्जाम नहीं होती है, उनके लिए सिर्फ वन लेवल एग्जाम होती है, जबकि सेकेंड लेवल एग्जाम क्लास थर्ड से 12th तक के बच्चों के लिए साइंस पेपर में होती है. अब हम जानेंगे इसमें आप रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं. स्टूडेंट शुड रजिस्टर थ्रू देयर रेस्पेक्टिव स्कूल ओनली. इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट आर नॉट एक्सेप्टेड. यहाँ पर आप स्कूल के माध्यम से ही रजिस्टर कर सकते हैं, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड नहीं है. SOF NSO कंडक्ट 3 डेट्स फॉर फर्स्ट लेवल. फर्स्ट लेवल एग्जाम के लिए NSO SOF 3 डेट्स देती है, जिसमें से स्कूल अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी एक डेट को चूज करके वह डेट भेज देती है अपने स्कूल में उन बच्चों को एग्ज़ाम लेने के लिए. एग्ज़ाम का डेट फाइनल होने के बाद, चूज कर लेने के बाद, इसको चेंज करने की परमिशन नहीं होती है. इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ओनली 125 रुपीज़ होती है. साथ ही SOF में एक बुक भी होता है, जिसके द्वारा आप स्कूल के ओलंपियाड एग्ज़ाम के पैटर्न, सिलेबस, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड एक बुक भी रहती है, जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की 80 रुपीज़ की आती है. तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराते समय वो भी आप साथ में फिलअप करके मंगवा सकते हैं स्कूल के माध्यम से, या फिर या फिर मार्केट में भी ये बुक अवेलेबल है. साथ ही SOF साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं. इसके फर्स्ट लेवल एग्जाम 2022-23 के लिए एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, जो 3 डेट है, 18 अक्टूबर, 3 नवंबर एंड 1 दिसंबर. ये तीनों डेटों में से कोई भी एक डेट आपके स्कूल में चूज किया जाता है और उस आधार पर उसी डेट पर आप उस स्कूल में एग्जाम दे सकते हैं. अब हम एग्जाम पैटर्न जानेंगे. एग्जाम पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 1 घंटे का टाइमिंग रहता है. क्लास फर्स्ट से 4th तक के लिए 35 क्वेश्चंस रहते हैं, जबकि क्लास 5th से 12th तक के बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस रहते हैं. क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटे होते हैं. पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है सब्जेक्ट रिलेटेड एंड तीसरा हो जाता है अचीवर सेक्शन. इस एग्ज़ाम को देने के बाद बच्चों को OMR सीट में फिलअप करना पड़ता है, एंड उसके बाद इंग्लिश मीडियम रहता है एग्ज़ाम का. एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश रहता है, एंड सिलेबस जो होते हैं ICSE, CBSE एंड स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस होते हैं उसी से रिलेटेड टेस्ट पेपर इनके बनाए जाते हैं, और एग्ज़ाम कंडक्ट होता है स्कूल में स्कूल आवर्स के दौरान ही. अब हम जानेंगे कि NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड फर्स्ट टू फोर्थ में किस प्रकार क्वेश्चंस रहते हैं, कितने क्वेश्चंस रहते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 1 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 5 हो जाते हैं. साइंस में 25 क्वेश्चंस रहते हैं.
एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस वन रहते हैं, टोटल मार्क्स 25 एंड अचीवर सेक्शंस में 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 10 हो गए। तो इस प्रकार नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 35 एंड टोटल मार्क्स 40 रहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ टू टेंथ के लिए लॉजिकल रीजनिंग 10 रहते हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहते हैं, टोटल मार्क्स 10 हो गए। साइंस के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स ऑफ मार्क्स 1, टोटल मार्क्स 35 एंड अचीवर सेक्शंस के 5 क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 3 हो जाते हैं एंड टोटल मार्क्स 15 हो जाते हैं। तो ग्रैंड टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड टोटल मार्क्स 6 एंड 11th एंड 12th के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस रहते हैं एंड क्वेश्चंस पर मार्क्स जो रहते हैं 1 एंड 25 मार्क्स हो गए। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन 3 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 15। मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से 20 क्वेश्चंस रहते हैं एंड मार्क्स पर क्वेश्चन 1 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 20। इस प्रकार ग्रैंड टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल मार्क्स। सिलेबस हम जान देंगे, सिलेबस ऑफ नेशनल साइंस ओलंपियाड डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन फॉर ईच क्लासेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st to 12th। फर्स्ट लेवल लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन which mandate is with the question related to verbal and non-verbal reasoning rahte hain, and section 2 is the science section which cover all the relevant topics and subtopics, and section 3 is the achiever sections hote hain. This section contain higher order thinking questions rahte hain jo ki iske section 2 se related hai. Next up class 1st and 2nd ke syllabus aap dekh sakte hain, yahan maine class 1st se 12th tak ke sabhi class ke syllabus de rakhe hain. अब हम क्लास फर्स्ट में देखते हैं, सेक्शन 1 में रीजनिंग से लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं, एस्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, मेजरिंग यूनिट, एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल से पैटर्न, ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट। एंड सेक्शन 2 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग एंड देयर नीड्स, गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स, एयर एंड वाटर, वेदर एंड द स्काई। सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर सेक्शन 2। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं सेक्शन 1, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। इस प्रकार आप जो भी क्लास के ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इस सिलेबस को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 11th एंड 12th के हो गया पूरे कंप्लीट। अब हम नोट ये खास ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1 ओलंपियाड एग्जाम विल बी 60% फ्रॉम द करेंट क्लास सिलेबस। ओलंपियाड में फर्स्ट लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं करेंट क्लास सिलेबस से 60% क्वेश्चन आते हैं एंड 40% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस क्लास सिलेबस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई बच्चा क्लास 7 का एनसीओ का एग्जाम दे रहा है तो उसमें और एनसीओ में है सॉरी 7th क्लास में है तो वहाँ पर 7th क्लास से 60% क्वेश्चन आएंगे जबकि क्लास 7th सिलेबस से, एंड 40% क्वेश्चन उसको क्लास 6 के सिलेबस से आएंगे। क्वेश्चन ऑफ लेवल 2 में ओलंपियाड एग्जाम विल बी फ्रॉम करेंट क्लास सिलेबस ओनली। अगर बच्चा क्लास 1st लेवल क्रॉस कर जाता है तो 2nd लेवल में अगर एग्जाम देता है तो उसके करेंट क्लास सिलेबस से ही सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन में विल बी फ्रॉम करेंट क्लास सिलेबस ओनली। अचीवर सेक्शन का जो सिलेबस होता है वो जो है क्लास सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट क्लास के सिलेबस होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको आई होप यह वीडियो कुछ मददगार हो, और प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।